हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स रोजाना सेशन फ्रॉम जीरो टू हीरो। हम करंट अफेयर्स को ऐसे मास्टर करने वाले हैं जैसे कि हम और सब स्टैटिक सब्जेक्ट्स को मास्टर करते हैं। मुझे पता है स्टैटिक सब्जेक्ट्स और करंट अफेयर्स का रिलेशन तो बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता? बिल्कुल बनता है। स्टैटिक सब्जेक्ट्स में भी आप देखेंगे कि करंट अफेयर्स की इंटरलिंकेज होती है। तो जैसे हिस्ट्री या इंडियन इकोनॉमी या ज्योग्राफी या पॉलिटी आप पढ़ के अच्छे से समझ लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, आंसर लिख पाते हैं ना, इस करंट अफेयर्स रोजाना सीरीज में भी वही पॉसिबल हो पाएगा। आपको करंट अफेयर्स रोज इस तरीके से समझाए जाएंगे कि आप इंटर रिलेटेबिलिटी बिठा सकें अपने स्टैटिक टॉपिक्स के साथ, और तो और आपके लिए अवेयरनेस अपने अंदर ग्रो करना इजी हो जाएगा विद द करंट अफेयर्स रोजाना सेशन। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए है। देखिए, हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रॉक्सी ज्ञान। यहाँ पर क्या होता है, आपको सारे लेटेस्ट अपडेट्स, क्लास के पीडीएफ्स, क्लास के नोट्स, हैंडमेड नोट्स, सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। तो इसके लिए, इसकी वजह से आपका जो टाइम है वो क्लास में सेव हो जाता है। वरना क्या होता है, नॉर्मली बच्चे क्लास में देख देख के नोट्स बना रहे होते हैं, वो करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्लास में बैठ के अच्छे से एनालिटिकली टॉपिक को समझिए, टॉपिक की गहराई में जाइए, अवेयरनेस डेवलप कीजिए, और क्लास ओवर होने के बाद जो टॉपिक से रिलेटेड नोट्स होंगे, पीडीएफ्स होंगे, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रॉक्सी ज्ञान पर मिल जाएंगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, आप फटाफट से जाके आज ही हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, अगर आपको याद होगा। होमवर्क क्वेश्चन था डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम के ऊपर। तो डेली हम जो करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उसके बेसिस पर मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन भी देती हूँ, है ना। डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम क्या था, क्वेश्चन पूछा गया था, एक्सप्लेन DHIS एंड डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस। दो पार्ट्स थे क्वेश्चन के, पहले तो आपको बताना था ये स्कीम क्या है, फिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो आपको समझानी थी। अब यहाँ पर सबसे पहले जब बात आती है कि है क्या डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम, तो इसमें बेसिकली होगा क्या कि हॉस्पिटल्स या लैब्स जहाँ पर आप अपने एक्सरेज MRIs करवाते हैं, ठीक है, या जितने भी डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स हैं, ऑनलाइन टेस्ट बुक हो जाते हैं, ऑनलाइन मेडिसिन आप बुक कर लेते हैं, है ना, इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड आप डिपार्टमेंट्स को इंसेंटिवाइज किया जाएगा टू एम्ब्रेस ट्रांसफॉर्मेटिव डिजिटाइजेशन प्रैक्टिसेस। इनको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे ताकि डिजिटल सॉल्यूशंस, डिजिटल टेक्नोलॉजीज हॉस्पिटल्स में, लैब्स में, डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशंस प्रोवाइडर्स, इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स हैं, ये लोग टेक्नोलॉजी की मदद से आप तक अपने फैसिलिटीज़ को, सर्विसेज को ईजिली पहुँचा सकें। तो ये इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाएंगे डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम के अंडर। बेसिकली एक डिजिटल इंक्लूसिव हेल्थ केयर इकोसिस्टम बनाने का मन बनाया है हमारी गवर्नमेंट ने, और इस पर्टिकुलर स्कीम को किस मिशन के अंडर लॉन्च किया जा रहा है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंडर इसको लॉन्च किया जा रहा है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी, बेसिकली एक तो टेक डेवलपमेंट होगा, ठीक है, इकोनॉमी ग्रो करेगी, जहाँ भी टेक डेवलपमेंट होता है इकोनॉमी भी ग्रो करती है। हेल्थ केयर सेक्टर ग्रो करेगा, कैसे, क्योंकि अब जो सर्विसेज हैं हेल्थ केयर सेक्टर की वो सब तक पहुँच पाएगी, इंक्लूसिव बनेगा हेल्थ केयर सेक्टर अब, है ना। तो बेसिकली इट विल डिजिटली एम्पावर द हेल्थ केयर इकोसिस्टम ऑल्सो। चलो अब आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं। आज का हिंदू न्यूज़पेपर आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा कि सर्विसेज बिल को पास किया गया है। व्हाट एग्जैक्टली इज सर्विसेज बिल, तो बेसिकली इसको अगस्त 1 को इंट्रोड्यूस किया था लोकसभा में, फाइनली अब इसको राज्यसभा ने पास कर दिया, मान्यता दे दी 7 अगस्त को। राज्यसभा इज पास्ड द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बिल 2023 and it will promulgate into law once it is signed by the President of India. अब देखो समझते हैं कि Delhi Service Bill 2023 basically है क्या। देखो ये amendment bill है, यानी कि कुछ changes लेकर आए गए हैं इसके अंदर, ठीक है। मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ, if you can see over here, I will highlight, मैं यहाँ पर थोड़ा सा highlight भी कर देती हूँ। देखो अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट इज़ दी गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी अमेंडमेंट बिल 2023। इसका रोल क्या रहेगा, इसका रोल रहेगा, मैं एक छोटा सा मार्कर यूज़ करूँगी, येस, इसका रोल रहेगा दैट इट विल गिव द सेंटर अपॉइंटेड LG द फाइनल से ऑन द ट्रांसफर एंड पोस्टिंग ऑफ ऑफिशियल्स इन दिल्ली गवर्नमेंट। अब बेसिकली यहाँ पर हमारे चीफ मिनिस्टर को हो गई है प्रॉब्लम, दिल्ली चीफ मिनिस्टर इज क्रिटिसाइजिंग दिस बिल बिकॉज इट इज सेइंग कि नाउ इफ यू आर गिविंग LG द पावर टू डिसाइड कि कौन से ऑफिसर को यहाँ पर ट्रांसफर मिलेगा या पोस्टिंग मिलेगी, इस केस में तो यू आर स्नैचिंग अवे पावर ऑफ गवर्नेंस फ्रॉम द दिल्ली गवर्नमेंट, है ना, सो दिस इज रॉन्ग, यू आर टेकिंग ऑल द पावर इन द हैंड्स ऑफ द यूनियन, आप सारे पावर यूनियन के हाथों में ही डाल रहे हो। सो दैट वॉज द इशू दैट आर चीफ मिनिस्टर वॉज पॉइंटिंग आउट।
अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इस बिल के थोड़े से ना फीचर्स को समझेंगे. सो नाउ हियर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द फीचर ऑफ दिस बिल टुडे. सबसे पहला फीचर इस बिल का क्या रहेगा? फर्स्ट फीचर विल बी दी रिलेटेड टू दी पावर्स ऑफ एलजी. एलजी के पावर से रिलेटेड है पहला फीचर. क्या है फीचर? दैट दिस बिल एक्सपैंड्स, द बिल एक्सपैंड्स द डिस्क्रिशनरी रोल ऑफ एलजी. सो बेसिकली व्हाट इज द डिस्क्रिशनरी रोल ऑफ एलजी, ये भी समझ लेते हैं. सो द रोल इज दैट दिस बिल इज गोइंग टू अलाउ हिम टू ओवरराइड द रिकमेंडेशंस ऑफ द अथॉरिटी एंड एक्ट ऑन हिज sole discretion in certain matters. For example, if it is related to transferring of certain officials, if chief minister is not permitting that transfer, the LG has his discretionary power. He can transfer the officer on his own. अपने खुद की मर्जी से सोल डिस्क्रिशन पे वो ओवरराइड कर सकता है चीफ मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस और अपना खुद का डिसीजन ले सकता है. सेकेंड इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस बिल इज द NCCSA. नाउ व्हाट इज दिस? इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी. आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC एंड स्टेट PSC एग्जाम्स, राइट? तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए. बेसिकली ये बिल क्या कर रहा है? दिस बिल स्टैब्लिशेस द NCCSA. क्यों बनाया है इसको? राइट इट डाउन. टू मेक recommendations. इवन दिस विल बी इन दी PDF, तो आप ना भी लिखें तो भी चलता है, PDF आपको मिल जाएगा इसका. टू मेक recommendations to the LG on certain service related matters. अब किस तरीके की सर्विस रिलेटेड मैटर्स होती हैं? ट्रांसफर्स, विजिलेंस, ठीक है. तो दीज आर दी सर्विस रिलेटेड मैटर. किसी को ट्रांसफर करना है, अपॉइंट करना है, विजिलेंस करवानी है, तो उस केस में जो LG है उसको पावर मिलेगी. जो NCCSA है वो रिकमेंडेशन LG को देगा, नॉट चीफ मिनिस्टर और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बट टू दी LG. बेसिकली यू आर गिविंग ऑल द पावर्स इन द हैंड ऑफ यूनियन ओनली बिकॉज LG इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन. देन द थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द बिल इज, राइट इट डाउन, डिस्पोजल ऑफ मैटर्स बाय मिनिस्टर्स. अब इसमें क्या होगा? द बिल विल अलाउ दिल्ली गवर्नमेंट मिनिस्टर्स टू इशू स्टैंडिंग ऑर्डर्स फॉर मैटर डिस्पोजल. ओके, फॉर एग्जाम्पल, मतलब बेसिकली है क्या, सेंसिटिव मैटर्स तो LG ही संभालेगा, बट बाकी के जो मैटर्स हैं वो मैटर्स मिनिस्टर्स डिस्पोज करेंगे या मिनिस्टर्स उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है. तो सारे सेंसिटिव इंपॉर्टेंट मैटर्स LG हैंडल करेंगे, बाकी रिमेनिंग मैटर्स विल बी हैंडल्ड बाई दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अंडर चीफ मिनिस्टर. ऑल राइट, एंड देन देयर विल बी ड्यूटीज ऑफ सेक्रेटरीज. कुछ सेक्रेटरीज को की ड्यूटीज बनाई जाएगी कि जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रोवर्सी या इशूज या मैटर्स चल रहे हैं दिल्ली में वो LG चीफ मिनिस्टर के सामने सेक्रेटरीज लेकर आए, ठीक है. तो ये तो बेसिक से इसके आप बोल देंगे समझ सकते हैं फीचर्स हो गए इस पर्टिकुलर बिल के. बट क्रिटिसाइज इसको इसीलिए किया जा रहा है बिकॉज LG को बनाया जा रहा है यहाँ पर हेड, एंड चीफ मिनिस्टर इज नॉट लाइकिंग दिस इनिशिएटिव, दैट इज वाई ही वॉज क्रिटिसाइजिंग दिस बिल. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट पे आ जाते हैं, विच इज चंद्रयान 3. अब भाई ये समझते हैं कि क्या हुआ है चंद्रयान 3. इसरो ने अभी चंद्रयान 3 लॉन्च किया था. सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रयान 3 की होने वाली है. अहेड ऑफ द सॉफ्ट लैंडिंग ऑफ चंद्रयान 3 ऑन द लूनर सर्फेस, इसरो हैज रिलीज 2 इमेजेस टेकन बाय दी स्पेस क्राफ्ट. आप देखोगे ये इमेज जो है, दिस हैज बीन टेकन बाय दी स्पेस क्राफ्ट. Now the first image is of Earth, underline, the first image is of Earth as viewed by the lander image camera. जुलाई 14 को पहली इमेज ली गई है और इसको लॉन्च किया था चंद्रयान को कहाँ से लॉन्च किया था? सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा. सेकंड इमेज जो कैप्चर की गई है वो लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा ने कैप्चर करी है. बेसिकली अर्थ की ऊपर से इमेजेस ली गई हैं, ठीक है, कि अर्थ व्यूड बाय लैंडर इमेज, कैसे लैंडर इमेज ने अर्थ को देखा है, अर्थ कैसा दिख रहा है, दैट इमेज हैज़ बीन टेकन. इंडियाज चंद्रयान 3 इज द लेटेस्ट एंट्री इन टू लूनर ऑर्बिट.
and more intensified activities around the moon are foreseen in the next few years due to the renewed interest in lunar exploration. ये पॉइंट याद रखना है कि यहाँ पर चंद्रयान 3 क्यों लॉन्च किया गया, ताकि लूनर सरफेस को स्टडी किया जा सके, ठीक है, लूनर सरफेस को और प्रैक्टिकली समझा जा सके. कहा जाता है मून का जो साउथ पोल है वहाँ पर काफ़ी मिनरल्स डिपॉजिट्स, यू नो, ऐसे संभावना है कि पाए जा सकते हैं, एंड उसी को एक्सप्लोर करने के लिए चंद्रयान 3 मिशन सामने निकल कर आया है. ऑलराइट, नाउ अनदर इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट इज, जब हम चंद्रयान 3 की बात करते हैं ना, ये थोड़ा सा साइंस एंड टेक से रिलेटेड टॉपिक हो जाता है ना, तो इसीलिए इसकी डिटेल्स पढ़ना ज़रूरी है. चंद्रयान 3 जो है वहाँ पर 3 तरीके के पेलोड्स पाए गए हैं, ठीक है. तो चंद्रयान 3 में कौन कौन से पेलोड्स हैं जो डाले गए हैं, वो है, फर्स्ट है लैंडर पेलोड, ठीक है, पहला हो जाता है लैंडर पेलोड. सेकंड है रोवर पेलोड एंड थर्ड हो जाता है आपका, राइट इट डाउन, चास्ट. चास्ट का मतलब क्या है? चास्ट का मतलब है चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट. राइट इट डाउन, चंद्र सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट. ऑल राइट, तो ये आपके 3 आस्पेक्ट्स हैं इस पर्टिकुलर मिशन के. ये आपको पॉइंट हमेशा याद रखने हैं. जब बात करते हैं हम यहाँ पर लैंडर पेलोड की, इसका मतलब क्या है? तो लैंडर पेलोड जो होगा वो कंडक्टिविटी, टेम्परेचर मेजर करेगा, ठीक है, लूनर टेम्परेचर. रोवर पेलोड क्या करेगा? इट विल कलेक्ट, लैंडर साइट पे जाके जो एलिमेंट्स हैं मून के सर्फेस पे उसको कलेक्ट करेगा. एंड चास्ट क्या है? बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है लूनर सिस्मिक एक्टिविटी को मेजर करने की. जो जैसे अर्थ की अंडरग्राउंड जो एक्टिविटीज़ हैं, सिस्मिक एक्टिविटीज़ हैं, उनको मेजर किया जाता है, ऐसी चांद की भी सिस्मिक एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको मेजर किया जाएगा इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ठीक है. तो ये आपको 3 आस्पेक्ट्स प्रिलिम्स के लिए याद रखने हैं. जब हम चंद्रयान 3 की बात करते हैं ना, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको प्रिलिम्स के लिए याद रखने हैं. ये भारत का थर्ड लूनर मिशन है. इट इज़ इंडियाज थर्ड लूनर मिशन, ओके, एंड ये हमारा सेकेंड अटेम्प्ट रहा है टू अचीव द सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून्स सरफेस. सॉफ्ट लैंडिंग हमेशा याद रखना. अब चंद्रयान 3 में ना इंडिजीनियस लैंडर मॉड्यूल डाला गया. इंडिजीनियस मतलब मेड इन आर ओन नेशन. इंडिजीनियस लैंडर मॉड्यूल डाला गया है चंद्रयान 3 में. एक इसमें प्रोपल्शन मॉड्यूल है, ठीक है, वो भी इंडिजीनियस है, इंडिया मेड ही है प्रोपल्शन मॉड्यूल. और हमारा थर्ड हो जाता है रोवर. थर्ड इसमें हमने रोवर ऐड किया है, ठीक है. ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर याद रखना ज़रूरी है इसका. चंद्रयान 3 का पहला ऑब्जेक्टिव है टू डेमोन्स्ट्रेट सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन लूनर सरफेस. चांद के सरफेस पर, सतह पर सॉफ्ट और सेफ लैंडिंग. सेकंड इसका ऑब्जेक्टिव हो जाता है टू डेमोन्स्ट्रेट रोवर रोविंग ऑन यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसको करेक्ट कर लेते हैं. रोविंग ऑन मून, ओके, चांद के सतह पे कलेक्शन कैसे किया जाएगा मटेरियल्स का, वो दिखाना होगा. एंड टू कंडक्ट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून, ठीक है. तो ये हमारे इसके क्या हो गए, फीचर्स हो गए. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पे जाते हैं. यहाँ पर आप देखेंगे आर्टिकल सेल्स, विल द फेडरल फंड हाइक इंपैक्ट डेवलपिंग कंट्री डेट. तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, एक फेडरल ओपन मार्केट कमेटी कंडक्ट की गई, ठीक है. यहाँ पर फेडरल फंड रेट को इंक्रीज किया गया कुछ बेसिस पॉइंट्स के थ्रू. अब यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि भाई ये फेडरल फंड रेट होता क्या है. सबसे पहले तो आपको ये पढ़ना है कि फेडरल ओपन मार्केट कमेटी को ने रिसेंटली फेडरल फंड रेट इंक्रीज किया है, ठीक है. और ये रेट क्या होता है, ये जो रेट इंक्रीज किया गया है इसका एम क्या है, ताकि इन्फ्लेशन को कम किया जा सके, ठीक है. अब यहाँ पर फेडरल फंड रेट होता क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है समझना. व्हाट इज फेडरल फंड रेट? फेडरल फंड रेट इज द रेट एट विच बैंक्स लेंड एंड बोरो एक्सेस रिजर्व्स इन ओवरनाइट मार्केट. अब यहाँ मैं और इजीली आपको समझाती हूँ, क्योंकि ना फेडरल फंड रेट के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन प्रिलिम्स में पूछे जा चुके हैं, इसीलिए इसको समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है. तो फेडरल फंड रेट अगर हम ईजी लैंग्वेज में देखें तो ये फेडरल रिजर्व के द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है. इट इज़ प्रिपेयर्ड बाई फेडरल रिजर्व. दीज रिजर्व आर ऑल्सो नोन एज फेडरल फंड्स.
अब जो बैंक्स होते हैं ना, दे आर ऑल्सो प्रॉफिट सीकिंग बिजनेस. आपको पता है बैंक्स भी प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपना फेडरल फंड का कुछ पार्ट अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लेंड कर देते हैं और उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम फेडरल फंड रेट बोलते हैं. तो जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमेशा याद रखना, इंक्रीज होगा, वो क्यों होगा, ताकि इन्फ्लेशन को कम किया जा सके. क्योंकि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होता है, आप लोन लेने से बचते हैं, लोन लेने से बचेंगे आप, ज़्यादा चीज़ें परचेज करने से बचेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में इंक्रीज हो रहा है, उससे अपने आप ही प्राइस राइज कंट्रोल हो जाएगा. तो सीधा सीधा मतलब यही है, फेडरल फंड रेट को इंक्रीज करने का पर्पज़ यही था कि इन्फ्लेशन को काबू में किया जा सके. बाकी एक बार आप इस आर्टिकल को ज़रूर पढ़िएगा. अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ईस्ट कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट. बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है, क्योंकि ये ईस्ट कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट किसके बीच में, ये पढ़ना ज़रूरी है. इंडिया जापान ने MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ईस्ट कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट के लिए. ठीक है, तो ये किसके बीच में है, इंडिया और जापान के बीच में है, ये पॉइंट आपको याद रखना है. अब इंडिया और जापान जो है, इस तरीके का कोलंबो पोर्ट पे ये ईस्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट कैरी आउट कर रहे हैं. ठीक है, अब इसका पर्पस क्या है, देखो पहला पर्पस तो हमेशा याद रखना, अपने रिश्ते को, इंटरनेशनल रिलेशंस को बहुत स्ट्रॉन्ग करना होता है जब भी इस तरीके के MOU साइन होते हैं. तो वो क्यों होते हैं, ताकि रिलेशनशिप को आगे लेकर जाया जा सके. ठीक है, अब यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है, ये ट्रांसशिपमेंट से रिलेटेड है. यहाँ पर आप लिख भी लिख सकते हैं, इट इज़ रिलेटेड टू ट्रांसशिपमेंट. ऑलराइट, ये ट्रांसशिपमेंट से हमेशा रिलेटेड रहेगा, ट्रेडिंग से रिलेटेड रहेगा. दिस विल बी रिलेटेड टू ट्रेडिंग एंड ट्रांसशिपमेंट. ऑलराइट, तो ये इसका पर्पस रहेगा. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट पे आते हैं. MPC होल्ड्स रेट्स लिफ्ट्स फाइनेंशियल ईयर 2024 इन्फ्लेशन फोरकास्ट टू 5.4%. तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है. RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इन्फ्लेशन रेट्स को मॉनिटर करती है और उस रेट को बैलेंस करने के लिए, स्टेबल करने के लिए एक्टिविटीज लॉन्च करती है या कोई ना कोई स्टेप लेती है. तो यहाँ पर MPC ने यह बताया है कि 5.4% तक इन्फ्लेशन फाइनेंशियल ईयर 2024 का इंक्रीज होने वाला है. यहाँ पर आपको कुछ मैं होमवर्क टॉपिक्स दे रही हूँ पढ़ने के लिए. पहला तो आपको पढ़ना है वॉट इज MPC, सेकेंड आपको पढ़ना है कि ये पॉलिसी रेपो रेट होता क्या है. ठीक है, अब आपको ये पता है जब भी रेपो रेट इंक्रीज किया जाता है, वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है. तो आपको बेसिक्स तो क्लियर है. ये दो एस्पेक्ट्स आपको आज अपने आप से थोड़े से पढ़ने हैं, जिसके ऊपर नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे एक छोटा सा आपका टेस्ट. तो ये था आपका आज का लेक्चर. आई होप यू एंजॉयड दिस क्लास. उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा. ऑन दिस नोट वी आर रैपिंग अप द सेशन. डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन अ टेलीग्राम चैनल सो दैट आपको क्लास के नोट्स बढ़िया सही तरीके से टाइमली मिलते रहें. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.